नमस्कार, सीएमएन पर खास कार्यक्रम जनता का मूड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कनिका। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी दलों ने जीत का सहरा बांधने के लिए पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन मतदान से ठीक पहले जनता क्या चाहती है, जनता के दिलों में क्या चल रहा है, जनता किसे पसंद करती है किसे नहीं, चलिए जानते हैं जहांगीराबाद से हमारे संवाददाता सुल्तान अंसारी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। स्वागत है सीएमएन न्यूज में सभी का। आज का खास प्रोग्राम है जनता का मूड। चुनाव नजदीक है, गलियों में चर्चा चल रही है कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। हम लेते हैं जनता की राय, पूछते हैं जनता का क्या है मूड। इससे हमने जहांगीराबाद में क्या जनता का कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी, कौन बनेगा समय बता कर कौन बनेगा। अभी तो ये जनता जवाब देगी कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। राहुल गांधी हाँ बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, गठबंधन का व्यक्ति बन सकता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का भविष्य अगर दिखाई देता है तो सिर्फ मोदी जी के हाथ में है। बाकी सब लोग चाहे गठबंधन आ जाए, कोई भी और पार्टी के लोग आ जाए, सबके सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं और उनका कोई काम नहीं है। जो ये काम है सिर्फ भाजपा ही के शासन काल में, जिसे मोदी जी ने 5 साल में किया है वो काम, अनेकों साल में वक्त गुजर गया है 70 साल पहले किसी पार्टी ने किया और नहीं कोई उम्मीद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो देश को सकता है और देश का विकास संभव है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे भैया, राम राम। बस अब इस समय वहाँ जो मीडिया वाले हैं कुछ लोग राय मांग रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और उसमें कोई जरूर बता। जनता जान चुकी है कि पिछली सरकार ने क्या किया, क्या कर रहा है। किसान त्राही त्राही है, दुकानदार त्राही त्राही है, जो नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, सब लोग बिल्कुल परेशान है। इस चीज़ से ये देखा जाता है कि आने वाले टाइम में एक नया चेहरा प्रधानमंत्री के लिए होगा। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री एक युवा बनेगा जो इस देश को तरक्की की राह पे लेके जाएगा, ना कि ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसने आज तक झूठे वादे पब्लिक को गुमराह करने का काम किया, किसानों के ऊपर लाठियां पड़वाने का काम किया, लोगों को व्यापारियों को बर्बाद करवाने का काम किया। और बहुत अफसोस की बात है कि वही व्यापारी वर्ग आज ये कह रहा है उस व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए जिसने GST आधे अधूरी लगाकर व्यापारियों को सड़क फैलाने का काम किया, किसानों को सड़क फैलाने का काम किया। ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं दुर्भाग्य के साथ कहता हूँ कि देश के लिए नुकसानदायक होगा। और एक युवा क्रांति इस बार हमारे उत्तर प्रदेश से जाएगी और दिल्ली के संसद के अंदर अपना युवा प्रधानमंत्री चुनेगा। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन सकती हैं? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी बिल्कुल बन सकते हैं। राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़ा लिखा, राहुल गांधी से ज़्यादा काबिल अगर कोई प्रधानमंत्री बनने की रेस में है तो कोई भी नहीं है। ना कि जैसे जैसे सपेरा होता है। कौन बनेगा देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। और अब की बार चार तो पार ये नारा है देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का चौकीदार, देश का जो चौकीदार है वही देश का प्रधानमंत्री दो बनवाने के चक्कर में, देश की प्रधानमंत्री बनवाने के चक्कर में, देश की राजनीति में मोदी जी एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है, जिन्होंने किया है कि आज हमारे सैनिकों की बदला 15 दिन के अंदर अंदर मोदी जी ने ले लिया। आज मैं एक व्यापारी हूँ, मैं कहता हूँ GST से किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है, सब प्रोपगंडा है विपक्षी दलों का। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री जनता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा। मोदी बनेंगे? नहीं, मोदी जी बिल्कुल नहीं बनेंगे। मोदी जी सिर्फ झूठ और सिर्फ भ्रष्टाचार का सहारा देते हैं और पब्लिक को चूतिया बनाते हैं। इन्होंने किसानों, व्यापारियों, युवाओं को सबको ठगा है और इसका जवाब गांव की शहरों की जनता देने वाली है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? बन सकते। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? मोदी। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? मोदी। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? मोदी। कौन बनेगा? राहुल गांधी। पीछे चलो। कौन बनेगा? हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे।
देश का प्रधानमंत्री एक देशभक्त व्यक्ति बनेगा जो कि केवल नरेंद्र मोदी है। ये थे हमने ली थी जनता की राय, क्या है जनता की राय? झंझावात की अलग अलग राय सबने दी है। कोई बोल रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई बोल रहा है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई बोल रहा है गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। ये मिली जुली प्रतिक्रिया जहांगीराबाद की आई है। आप देख रहे हैं सीएम बेलूच सुल्तान अंसारी जहांगीराबाद बुलंदशहर।